सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका अक्षा व्लॉग्स में। आज हमारा दिन तीसरा या चौथा, मुझे याद नहीं है, वो एडिटिंग करके पता चलेगा जब मैं करूँगा। बट व्हाट अ डे यार, सनी डे। और आज हमारा है टारगेट काजा। तो आज हम लोग स्पीति की तरफ निकल रहे हैं। कल हम चितकुल देख आए थे, बट हमारा यहाँ पे एक फोर्ट है जो यहाँ के बहुत बड़े पहले राजा का फोर्ट था, बट वो हमें दिखा नहीं क्योंकि हम रात को गए थे। गुड मॉर्निंग, आ रहा हूँ बस 5 मिनट्स। तो वी वर नॉट एबल टू कम ऑन टाइम। हाँ हाँ श्योर। अच्छा, तो नीचे हमारे छोटे से मित्र बने हैं, तो गाड़ी भी दिख रहे हैं आप, दिल्ली के। तो फिलहाल यही है, बिल्कुल। सो अब हम लोग अगले आधे घंटे में निकल जाएंगे और आगे दिखाते हैं आपको। आज स्पीति और काजा बैग हो चुके हैं पैक, और आज की यहाँ से होती है विदा। सांगला को हम छोड़ रहे हैं और काजा की तरफ निकल रहे हैं। चाबी अंदर ही छोड़ दी मैंने, तो चलो लुक एट इट। ये बाहर व्यू है बैग का, सफेद घोड़ा हो रखा है तैयार निकलने के लिए। फिर से आज है काजा। ओहो, इसमें रख देते हैं बैग अपना। हुरलिंग में नाको रुकेंगे, हुरलिंग सीधे जाएंगे ताबो मनासी, ठीक है। वही देखेंगे नाको लेके वापसी में देखेंगे आते हुए। सड़क बढ़िया है, सड़क बढ़िया है, सड़क बढ़िया है। दो जगह एंट्री होगी आज गाड़ी की, वो करवानी है और बाकी चलता रहना। कितना ट्रैवल है आज हमारा? आज है यहाँ से 310। 310 मतलब पूरा दिन ही है? पूरा दिन। बहुत बढ़िया। गाड़ी होगी क्रैंक, अविनाश भैया निकाल रहे हैं गाड़ी। पीछे से सफारी निकलती हुई पहले, और जगह कम इसलिए, और फिर उसके बाद साड़ी जिप्सी। भाई फिर मिलते हैं, बाय बाय सर, टेक केयर। तो आज हमारे स्टॉप भी है कहीं काजा में कोई जगह है, सिर्फ मेन काजा ही? काजा में मेन काजा ही। चलो, हमने शुरू करा है 9:05 पे। हम निकले भैया 5 मिनट हाई ऑल्टीट्यूड स्क्यूबा डाइविंग। अच्छा, ये भी करवाता है पैरा सेलिंग, पैरा मोटरिंग ये भी करवाता है। होनी तो पीछे वो, हाँ लगा के सिलेंडर से, हाँ वो इंजन लगा के, हाँ भिक्षु भाई यहाँ से कल्पा जाते हैं ऊपर, हाँ पहले रिकॉन्ग भी आता है, फिर कल्पा आता है। तो जो पुरानी अंग्रेजों ने सड़क बनाई थी उन्होंने ऊपर से बनाई थी, तो जी आपको ये जो ऊपर टॉप में एक घर सा दिख रहा है ना, ये पांडवों का घर था या मंदिर था मुझे याद नहीं है, बट अविनाश भैया ने मुझे बताया शायद घर ही था जो उन लोगों ने वनवास के टाइम पे रहे थे। स्पिल्लो पहुंचेंगे थोड़ी देर में, 15 किलोमीटर है क्या, 14 पहुंचेंगे। स्पिल्लो निकल गया, हाँ पू पहुंचेंगे, कैंटोनमेंट एरिया पू। रुकेंगे नहीं वहाँ पे। यहाँ पे कितना अंतर है ना, सूखे पहाड़ है इस साइड। हाँ, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, मानसून साइड से बाहर है एरिया, बारिश होती है लेकिन बहुत हल्की है। और स्नो स्नो गिरती है, स्नो गिरती है। रूपा वैली और ऊ की तरफ हम चल रहे हैं, भाई साहब वाइट पहाड़ है। बताओ
मतलब ये नाको होगा इसके बाद पहले तो खाप आएगा, खाप डुबलिंग आएगा पहले जहाँ चेक पोस्ट है, फिर खाप आएगा, फिर का आएगा, फिर पू आएगा। पू तो आ गया, सॉरी नाको। बड़ा लंबा सफर पड़ा है अभी। पहले हम फोटोग्राफी को लगाया था इंस्टाग्राम पर, पता नहीं क्यों हटा दिया। अच्छा, ये तो इग्लू जैसे बने हुए हैं। अरे भाई ये छत वाले को देखिए, इसी का बगीचा होगा। तो अभी हम एक जगह छोटे से स्टॉप के लिए रुके हैं। मैंने कहा कमर सीधी कर लूँ। ये जो ऊपर एक आपको रोड दिख रहा होगा, ये रोड ज़्यादा बॉर्डर के लिए, और यहाँ से अगला स्टॉप है हमारा खाप, KHAB। पीछे देखो पहाड़ यार। आज हमारा सफ़र है तकरीबन भैया बता रहे थे 300 किलोमीटर का, स्पेसिफिकली 280, 5-10 किलोमीटर हेयर आगे पीछे। तो अभी 3-4 जगह और पड़ेंगी, फिर उसके बाद काजा आएगा। अभी स्पीति शुरू नहीं हुआ है। मैंने पूछा था स्पीति शुरू हो गया है, फिर स्पीति नहीं, स्पीति अभी शुरू नहीं हुआ है। स्पीति शुरू होगा करीबन 20-25 किलोमीटर बाद शायद। हम करीबन 100-150 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और इतना ही बचा है लगभग। आज जाएगी शाम पहुँचते। तेज भाई, दिस इज द संगम पॉइंट। यहाँ पे सतलुज और स्पीति रिवर आपस में मिलते हैं। आपके राइट में है सतलुज और जिसमें हम एंटर कर रहे हैं स्पीति वैली है। तो यहाँ से होती है शुरू हमारी स्पीति वैली ज्योग्राफिकली। और नाइस रोड यार भैया। तो भैया बता रहे हैं एक साल में हुआ है। हाँ भैया बता रहे हैं पिछले एक साल में यहाँ से ये रोड जो हम जिस पे हम चल रहे हैं ये बनी है। नाइस यार। हिमालय की सबसे बड़ी हिमाचल की जो पीछे थी। अभी आपको आगे एक यू टर्न मिलेगा, तो राइट हैंड में यू टर्न लेना, लेफ्ट वाली फ्लैग वाली सड़क पे मत जाना। फ्लैग वाली सड़क ये जाती है चंगो सामने दिख रहा है। तो शार्प टर्न के जस्ट बाद आइस है, तो वहाँ थोड़ा केयरफुली चलाइए। शायद उस साइड को नेटवर्क नहीं है, हम बिल्कुल ही ये साइड है। ओहो दीपक जी हमें भी देख लो। जो बीआरओ का प्रोजेक्ट है ना। हाँ दीपक है। नाको से हम लोग करीबन 4 किलोमीटर पहले रुक गए। बियरें शेयर लेनी है लोगों को। और ये एको पॉइंट है वैसे तो।
शोरगुल करने का मन नहीं है इतनी शांत की जगह पे। भाई आगे आपको दो सड़कें मिलेगी लेफ्ट राइट, तो आप राइट हैंड वाली ऊपर वाली सड़क। जी हम नागपुर की तरफ पहुंचते हुए टेम्परेचर कब तक चेंज हो गया, रूप से पूरी गर्मी हो रही है, मतलब रूप से ठंड हो गई। पी भैया रहे चढ़ मुझे रही है जरा, पी भैया रहे चढ़ मुझे नागपुर विलेज। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सामने गांव दिख रहा है ये पूरा नाको गांव है, और गांव के दो प्यारे प्यारे से बब्बू हूँ मस्त सो रहे हैं धूप में। तो ये नाको विलेज है जो करीबन 500 फैमिली रहती है, 500 भी नहीं बता रहे थे भैया, 400 समथिंग फैमिलीज हैं, छोटे छोटे मकान बने हुए हैं स्टेप फार्मिंग के साथ। जमा हुआ है फंस गई भाई, पजेरों के लिए भैया रुकना पड़ेगा, वापस आ रही सवारी। यह है मलिन नाला, पूरा जम गया फ्रोजन रहता है, फ्रोजन मलिन नाला। चलो अच्छा, जो पीछे आ रही है जो पीछे से हमने डबल देखी है वो यही थी, नहीं जो हमने जस्ट क्रॉस नहीं किया था 10 मिनट पहले, वो नैरो इतनी थी ये पूरी स्पीति तक की, कितनी बुरा लगी। हां तो जी टेम्परेचर बहुत तगड़ा है अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन कि धूप निकली हुई है, बट थोड़ी देर पहले पीछे नाकों से जब हम चलना शुरू किए थे, अगर आप आई डोंट नो ज़ूम इन करके दिखाऊं, ये देखो ये फ्रीज हो रखी है, ये नदी ना फ्रीज हो रखी है, कुछ पार्ट फ्रीजर हो गया कुछ कुछ चल रहा है इसका, भाई बहुत तगड़ा हिसाब किताब हो रखा है टेम्परेचर। इंटरनेट तो यहाँ पे है ही नहीं है, टेम्परेचर मैंने पूछा कि कितना, तो कह रहे -2 -3 होगा, दैट्स नॉर्मल। और जेसीबी का काम चल रहा है, आफ्टर ब्रिज एंड उसके आगे वेट कैंटीन के बाद भी ऑन द लेफ्ट। सो राइट में जो हमारी नदी चल रही है वो भैया ने बताया स्पीति नदी आती है, तो सतलुज और स्पीति मिलती है एक जगह जाके, संगम होता हुआ जगह, और यह स्पीति नदी हो गई है। यहाँ से सुंदो हम पहुँच चुके हैं, दैट इज 0 किलोमीटर, यहाँ पे बैरिकेडिंग है, नॉर्मल चेकिंग एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। काजा लेफ्ट, हम तो एक कॉन्फ्यूज से आ ही रहे हैं, साइड मोरमी है, लेकिन हमें काजा की तरफ जाना है, तो काजा हम चल रहे हैं। हाँ जय माता दी, ये पूरा लगभग ऊपर जो आपको दिख रहा है पूरा डिफेंस एरिया है, इट इज़ नॉट अलाउड फॉर एनीवन। काजा यहाँ से रह गया 73, सो दिस इज what I'm talking about, ये वो नदी हमें be on the left। तो ये रास्ता था यो मम्मी का, जो हम लोग परसों जाएंगे जाते हुए वापस, आज तो हम काजा जा रहे हैं, काजा ये वो देखना पहाड़ क्या ऐसे आके ना ऐसा शान सा कर दिया। नदी देखो आप राइट साइड में पूरे सूखे पहाड़ हैं, और वैली के उस साइड पूरा स्नो, यही है प्रकृति है कि नहीं, कह रहे थे यार।
अच्छा वो यार ये कौन सा एनिमल है? ब्लू शीप, दीज आर द ब्लू शीप्स। नीली भेड़ देख तो काली सी रही है। नहीं ऐसी है, हमारी गाड़ी को गलती से पानी स्प्लैश हो गया बाहर, तो देख रहे हो स्नो बन गया तुरंत से। समझ जी, दिस इज द रूम। छोटू साई है, टीवी भी है, छोटी सी छोटा सा टॉयलेट है, बट ये अच्छा की गीजर है, मतलब नॉर्मली सब कुछ है। अगर आपको पानी गर्म करना है स्पीड से तो देसी चुका वाला बॉयलर भी है, हर रूम आप लोगों ने देखा है कि नहीं, बट बहुत सही होता है। ये बेड के लिए मैंने लगा ही दिया है। Let me see. अच्छा ये बैकयार्ड दे दिया मुझे, सिंगल हूँ ना, अकेला हूँ, सॉरी। चलो जी मिलते हैं फिर बाद में। बोला कि चलो मार्केट घूम थोड़ा सा, तेरा मार्केट नहीं होगा थप्पा थप्पा भी पैक भी कर सकते हो। हे बड़ी, हे तो रात, ओ कहाँ चढ़ रहे हो, क्या दे तो दिए थे बिस्किट, ये और मांगने आया। नहीं अब कुछ नहीं है मेरे पास, जाओ। अरे अब कुछ नहीं है, जाओ। सारे के सारे वो आगे जिनको मैंने खिलाए थे बिस्किट्स। तो रात के हो रहे हैं 10:45, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त। और तकरीबन अभी टेम्परेचर होगा -12। यहाँ पे खाली एक दो तारे निकले हुए हैं, देखेंगे तो क्या क्या है इससे, बट बाकी कुछ भी नहीं है। कुछ भी का मतलब ना चंद्रमा निकला ना कुछ, मैं सोचा चंद्रमा देख लूँगा, बट अब नॉर्मल सा लग रहा है बॉडी टेम्परेचर ना, ओके सा हो गया मेरा, इट्स बेटर नाउ। तो ये सारी वो टोली है जिनको करीबन मैंने सबको बिस्किट खिला दिए थे, एंड बाहर ही बैठे हुए। चलो जी
अक्षा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज़ आपको दिखाते हैं जाने से पहले, आज रात को ये देखो, ये ना पानी की बूंदें हैं, जम गई हैं, बिल्कुल टपक गई हैं। मैंने पहले भी देखा, ये देख रहे हैं सारी की सारी बूंदें हैं, है ना भाई। -12 हो रखा है राइट ना, पल्सर खड़ी हुई है, ख़त्म पल्सर बेचारी। चलो जी, टाटा ते बाय शायद। अक्षा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, और कल का दिन बहुत ही तगड़ा हमारा होने वाला है। कल पता नहीं, हम शायद मेरे ख्याल से ताबो नाको दोबारा जाने वाले हैं, तो काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय श्री राम।